हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एटलस ऑफ आइडियाज़। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है द पोएम प्रेजेंट्स फ्रॉम माय आंट इन पाकिस्तान बाय मुनीजा अलवी। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑथर की बायोग्राफी को, उसके बाद हम पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, फिर इसके थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस एंड इंपॉर्टेंट सिम्बल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले ऑथर की बायोग्राफी की तरफ। मुनीजा अलवी एक पाकिस्तानी ब्रिटिश पोइट एंड राइटर हैं। ये एक डायस्पोरिक राइटर हैं, यानी कि ऐसी राइटर जो कि अपने नेटिव कंट्री से बाहर लिखती हैं। ये जो है 2 फरवरी 1954 में लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुई, और ये कुछ महीने की थी जब ये अपनी फैमिली के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई एंड वहाँ पर ही जो है हेडफोर्डशायर में जो है ये पली बड़ी हैं। इन्होंने जो है अपनी एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन से हासिल की, एंड इन्होंने जो है अपनी फर्स्ट बुक पीकॉक लगेज के नाम से 1991 में पब्लिश की। लेकिन ये बुक जो है इन्होंने अकेले नहीं लिखी थी, बल्कि इनके साथ एक और राइटर पीटर डैनियल्स जो हैं उन्होंने इनके साथ ये बुक जो है लिखी थी, यानी कि ये जॉइंट पब्लिश्ड बुक है। एंड इस बुक ने जो है पोइट्री बिजनेस प्राइज़ जो है वो हासिल किया था। उसके अलावा जो है इन्होंने ओवरऑल 8 पोइट्री की कलेक्शन लिखी है, लेकिन इसमें द कंट्री, एट माई शोल्डर जो है 1993 में जो पब्लिश हुई थी, ये जो है शॉर्टलिस्ट हुई थी टी एस एलियट प्राइज़ के लिए एंड वाइट बेड पोइट्री प्राइज अवार्ड के लिए। एंड इसी बेसिस पे जो है ये पोइट्री सोसाइटी न्यू जनरेशन पोइट्स प्रमोशन जो है 1994 में उसके लिए सेलेक्ट हुई थी। उसके अलावा जो है इन्होंने सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी जिसका नाम है हाउ द फाउंड इट्स वॉइस इन 2005। ये जो है इंस्पायर की हुई थी किपलिंग्स जस्ट सो स्टोरीज से, इंस्पायर होकर इन्होंने ये लिखी थी। एंड 2002 में जो है इन्होंने कलमंडले अवार्ड जो है वो हासिल किया। एंड उसके बाद जो है 2003 में जो है शी वॉज इलेक्टेड एंड एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। एंड करंटली जो है ये नॉर्फोल्क में रह रही है एंड शी इज़ वर्किंग एज अ फ्रीलांस राइटर एंड ट्यूटर। ऑथर की बायोग्राफी के बाद अब हम आ जाते हैं पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर। तो पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले मैं आपको पोएम की टाइटल के सिग्निफिकेंस एंड पोएम का जो है बैकग्राउंड बताती हूँ। तो पोएम का टाइटल जो है वो है प्रेजेंट फ्रॉम माय आंट इन पाकिस्तान। तो इसमें पता चल रहा है कि मुनीजा अलवी जो है वो अपने आंटी के बारे में बात कर रही हैं जिन्होंने प्रेजेंट्स भेजे फ्रॉम पाकिस्तान। एंड उसके अलावा जो है ये पोएम जो है, इस पोएम में मुनीजा अलवी ने जो है अपनी टीनेज के बारे में बताया, यानी कि वो जब एज अ यंग गर्ल जो है वो क्या फील करती थी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में। मुनीजा अलवी के फादर जो हैं वो पाकिस्तानी थे एंड उनकी मदर जो है वो ब्रिटिश, तो इसलिए जो है वो हाफ ब्रिटिश एंड हाफ पाकिस्तानी हैं। तो उनको जो है वो इस कन्फ्यूजन में थी कि क्या वो पाकिस्तानी हैं या क्या वो इंग्लैंड हैं, क्योंकि वो जब कुछ मंथ्स की थी तो वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गई थी। तो इसलिए जो है उनको हमेशा से जो है वो इस कन्फ्यूजन में ही रही हैं कि क्या वो उनकी वैल्यूज़ एंड जो नॉर्म्स जो हैं वो इंग्लैंड के फॉलो करें या फिर जो है वो पाकिस्तानी हैं एंड वो पाकिस्तानी नॉर्म्स एंड पाकिस्तानी वैल्यूज़ को जो है वो फॉलो करें। तो इस पॉइंट में जो है वो हमें नज़र आते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो कैसी मतलब फील कर रही हैं अपनी ही कल्चर आइडेंटिटी के बारे में, एंड ऑल्सो वो किस तरीके से कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी जो है वो ट्रू उनकी नेशनलिटी जो है उसको जो है वो ढूंढ रही हैं कि क्या वो पाकिस्तानी है या वो ब्रिटिश हैं। एंड उसके अलावा जो है इसमें टू कल्चर्स को डिपिक्ट किया गया है, एक तो इंग्लैंड के कल्चर को यानी कि वेस्टर्न कल्चर को, एंड दूसरा जो पाकिस्तानी कल्चर यानी कि ईस्टर्न कल्चर को। एंड पाकिस्तानी कल्चर में भी यह है कि उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उन दोनों को हाईलाइट किया गया। तो बेसिकली जो है ये एक पोइम जो है एक टीनेज गर्ल के बारे में, यानी कि मुनीजा अलवी की जो टीनेज लाइफ थी, जो टीनेज में जो वो जिस तरह की से फील करती थी अपनी आइडेंटिटी के बारे में एंड जितनी वो कन्फ्यूज थी अपनी आइडेंटिटी के बारे में, उसको जो है इस पोइम में शो किया है। तो अब हम आ जाते हैं पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर। तो फर्स्ट स्टैंजा है, दे सेंट मी अ सलवार कमीज पीकॉक ब्लू एंड अनदर ग्लिसनिंग लाइक एन ऑरेंज स्प्लिट ओपन। अब यहां पे जो है वो बात करी है कि दे सेंट मी सलवार कमीज, यानी कि वो अपनी आंटी की बात करी है, ठीक है, कि उनकी आंटी ने जो है उनको शलवार कमीज़ भेजा। शलवार कमीज़ जो है वो नेशनल ड्रेस है पाकिस्तान का, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान से आया है। पीकॉक ब्लू जो है वो एक तो रॉयल्टी को शो करता है, उसके अलावा अगेन ये एक बर्ड है, पाकिस्तानी बर्ड है, पाकिस्तान में पीकॉक जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये अगेन बता रहा है कि ये भी जो है पाकिस्तान की ही बात हो रही है। एंड अनदर ग्लिसनिंग लाइक एन ऑरेंज स्प्लिट ओपन। अब यहाँ पे जो है वो एक और ड्रेस की बात करी है कि एक और ड्रेस जो है वो ऑरेंज कलर में था, जिसकी आगे से जो है ओपन शर्ट, हम जैसे कहते हैं ना ओपन शर्ट थी, जिसकी जो है वो स्प्लिट होती है। इम्बॉस स्लिपर्स गोल्ड एंड ब्लैक पॉइंटिंग कर्लिंग। अब यहाँ पे जो है वो स्लिपर्स की बात करी है कि गोल्ड एंड ब्लैक कलर के जो है वो
स्लिपर भी थे। ये जो है आई थिंक खुद से हो सकते हैं बिकॉज ये पॉइंट्स कर्लिंग है एंड ऑल्सो एम्बॉस स्लिपर्स गोल्ड एंड ब्लैक जो है ये ट्रेडिशनल जो है पाकिस्तानी अगेन पाकिस्तानी कल्चर या पाकिस्तानी ट्रेडिशन को जो है वो शो करते हैं। कैंडी स्ट्राइप ग्लास बैंगल्स स्नैप ड्रू माई ब्लड। अब यहाँ पे वो जो है वो बैंगल्स की बात करी है कि कैंडी स्ट्राइप्स जो है वो बैंगल्स थी एंड वो जो है वो जब वो पहन हुई थी तो उनकी बाजू पे टूट गई एंड फिर जो है उससे खून निकला। लाइक एट स्कूल फैशन स्टेंज इन पाकिस्तान द सलवार बॉटम्स वर ब्रॉड एंड स्टिफ देन नैरो। अब यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली जो है फैशन की बात करी है कि किस तरीके से पाकिस्तान का फैशन जो है अपग्रेड हो गया, यानी कि जब वो स्कूल यानी कि जब स्कूल मतलब जो पहले जो है उसका फैशन जो है चेंज था एंड अब जो है वो चेंज था चेंज है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है एक तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान का जो फैशन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है यानी कि पाकिस्तान में जो है चेंज आ रहे हैं एंड दूसरा ये है कि जैसे उनके चाइल्डहुड में जो उनको थोड़ा बहुत याद है ना यानी कि जो पहले जैसे फैशन होता था अब वैसा फैशन नहीं है, पाकिस्तान का फैशन जो है वो चेंज हो रहा है। एंड उसके अलावा जो है ये है कि एक तो ये चीज़ भी शो होती है, दूसरा वो ये चीज़ भी ऑब्जर्व करिए किस तरीके से जो पाकिस्तानी फैशन जो है वो इंग्लैंड के फैशन से टोटली अपोजिट है। एंड also ये भी है कि पाकिस्तान का फैशन चेंज हो रहा है एंड पाकिस्तान में भी जो है ना पाकिस्तानी फैशन यानी कि पाकिस्तान में भी जो है ना जो डिफरेंट कल्चर जो है ना उनको भी जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में भी जो है अब जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है ना उसको भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान में जो है और भी ज़्यादा कल्चर जो है उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट जो हमें नज़र आते हैं। द सलवार बॉटम्स वर ब्रॉड एंड स्टिफ देन नैरो, यानी कि ये भी जो है फैशन के चेंज को बता रहा है कि पहले जो है वो खुली बॉटम्स थे एंड अब जो है वो नैरो हो गई हैं। माई आंट्स चोज एन एप्पल ग्रीन साड़ी सिल्वर बॉर्डर फॉर माई टीन्स। अब यहाँ पे हमें एक तो पता चलता है कि टीन्स के बारे में यानी कि वो अपनी टीनेज के बारे में बात कर रही है यूथ के बारे में एंड नेक्स्ट जो है वो है एप्पल ग्रीन साड़ी। एप्पल ग्रीन साड़ी जो है वो शो करती है सेरेनिटी को, यूथ को, जो उनकी यंग एज है मुनीज़ा अलवी की जो यंग एज है उसके बारे में शो करते हैं, यानी कि वो टीनेजर है एंड उनकी यंग एज है तो उनकी आंटी ने जो है उन्हीं की यंग एज को उन्हीं की ब्यूटी उन्हीं की यूथ को जो है देखते हुए जो है उनको एप्पल ग्रीन साड़ी भेजी है और उसका बॉर्डर जो है वो सिल्वर कलर में है। एंड ये जो ये सारे कलर्स हैं ना ये ऑल्सो जो है इंग्लैंड में भी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो यहाँ पे जो है ये हाईलाइट होता है मतलब मैंने जैसे पहले बताया है कि ये जो इंग्लैंड है पाकिस्तानी कल्चर जो है ना उसको वो हाईलाइट करती हैं कि पाकिस्तानी कल्चर जो है उसमें सारा फैशन जो है उसका ये है एंड इस तरीके से जो है उसकी ड्रेसिंग वगैरह होती है एंड ऑल्सो कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह भी जो है शो हो रही हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में जो कहती हैं आई ट्राइड ईच सेटिन सिल्कन टॉप वॉज एलियन इन द सिटिंग रूम आई कुड नेवर बी एज लवली एज दोज क्लोथ। यहाँ वो कह रही हैं कि जितने भी जो कपड़े थे ना उन्होंने सारे कपड़े जो है ट्राई किए हैं, सेटन सिल्कन टॉप जो है यानी कि जो सिल्क की जो शर्ट थी वो भी उन्होंने ट्राई की है एंड वाज एलियन इन द सिटिंग रूम। लेकिन ये है कि जब उन्होंने वो टॉप पहनी यानी कि जो सिल्क की जो शर्ट थी उन्होंने पहनी तो वो जो है उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील हुआ, वो मतलब ऐसे एलियन का मतलब है कि वो जैसे कि होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील करते हैं यानी कि आप शायद उस जगह से बिलोंग नहीं करते। तो सिमिलरली वो यही कह रही है कि जब मैंने वो सैटन सिल्कन जो है वो टॉप पहनी तो मुझे लगा कि ये क्लोथ्स जो हैं वो मेरे लिए नहीं बने, मैं वो पाकिस्तानी क्लोथ्स में जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, डिफरेंट फील कर रही थी कि ऐसे जैसे कि ये चीज़ जो है उनके लिए नहीं है लेकिन वो पहन लिए उन्होंने, उसमें वो फिट नहीं हो पा रही थी। एंड वो नेक्स्ट वो कह रही है कि आई कुड नेवर बी एज लवली एज दोज क्लोथ, वो कह रही है कि जो ड्रेसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि मैं उन जितनी खूबसूरत नहीं हूँ। तो बेसिकली वो ये शो कर रही है कि किस तरीके से वो जो है ख़ुद को जो पाकिस्तानी कल्चर एंड पाकिस्तानी वैल्यूज़ में जो है ना एंड उसमें जो है अपने आप को ढाल नहीं पाई थी, उसमें एडजस्ट नहीं कर पाई थी, उनको लग रहा था कि ये क्लोथ्स जो हैं वो मेरे लिए नहीं बने हैं क्योंकि वो इंग्लैंड में रह रही थी तो उनको यही था कि वो अब उनकी सारे जो लाइफ जो है ना वो वेस्टर्नाइज्ड हो गई थी तो अगर वो जो है ईस्टर्न वे में जाने की या पाकिस्तानी कल्चर को जो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती हैं या फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करती है तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील होता है उनको, यानी कि उनको ऐसा फील होता है कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करती ही नहीं है और ये जो है उनके लिए नहीं है। आई लॉन्ग फॉर डेनिम एंड कॉर्ड्राई माई कॉस्ट्यूम क्लंग टू मी एंड आई वॉज एफ्लेम। अच्छा, अब डेनिम एंड कॉर्ड्राई जो है ये इंग्लिश ड्रेसेस हैं एंड ये ऑफकोर्स इंग्लैंड को एंड वेस्टर्न सोसाइटी को शो करते हैं। तो वो कह रही हैं कि मतलब मैंने जब वो कपड़े पहने तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील कर रही थी एंड मैं चाहती थी कि मुझे मेरा डेनिम एंड कॉर्ड्राई मिले, यानी कि वो पाकिस्तानी वैल्यूज़ में जो इतना ज़्यादा डिफरेंट फील करती कि वो चाहती थी कि वो वापस जो है अपनी ही जो वेस्टर्न की वैल्यूज़ जो है ना उसमें आए, यानी कि अपनी सोसाइटी में आए, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती क्योंकि वो उसी में ही पली बढ़ी हैं। माई कॉस्ट्यूम क्लंग टू मी एंड आई वॉज अ फ्लेम। अब यहाँ पर जो है वो कह रही हैं कि मैंने अपना ड्रेस पहना एंड आई
वॉज अ फ्लेम. एक तो अ फ्लेम जो है वो ये शो करता है कि वो ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ था, तो वो ऑरेंज कलर को शो करता है. एंड दूसरा ये है वो कि उनकी अनकम्फर्टेबलनेस जो है ना वो शो करती है, यानी कि वो कितने ज़्यादा डिसकम्फर्ट फील करी थी वो कपड़े पहनने के बाद. क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि वो पाकिस्तानी वैल्यूज़ में जो है ना वो उनको लग रहा था कि ये कपड़े जो है मेरे लिए नहीं बने, मैं उसमें फिट नहीं आती. आई कुडंट राइज अप टू आउट ऑफ इट्स फायर हाफ इंग्लिश अनलाइक आंट जमीला. अब वो कह रही है कि मैं हाफ इंग्लिश हूँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि उनकी मदर जो है वो ब्रिटिश थी, तो इस तरीके से हाफ इंग्लिश एंड हाफ पाकिस्तानी है. तो जो है वो यही कह रही हैं कि मतलब मैं जो हूँ, मेरी आंटी जमीला जो है वो जब भी कपड़े पहनती हैं तो वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं. क्यों? क्योंकि वो कम्प्लीटली पाकिस्तानी है, तो उन पे जो है कपड़े ज़्यादा प्यारे नज़र आते हैं. लेकिन अगर मैं जो इन कपड़ों को पहनने की कोशिश करूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये कपड़े मेरे लिए नहीं बने, मैं एज सच खूबसूरत नहीं लगती. क्यों? क्योंकि मेरी जो एक जो इंग्लिश मेरी आइडेंटिटी जो है ना, जो मेरी ब्रिटिश आइडेंटिटी जो है वो सामने आ जाती है, तो इसलिए जो है वो उसमें इतना ज़्यादा प्यारी नहीं लगती है. यानी कि वही बात कह रही हैं कि अगर वो जो पाकिस्तानी जो है वैल्यूज़ में मर्ज होने की कोशिश करें ना, तो वो कम्प्लीटली नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि वो उनकी जो एक जो उनका इंग्लिश सेल्फ, जो उनका ब्रिटिश आइडेंटिटी जो है वो सामने आ जाती है. नेक्स्ट वो कहते हैं आई वॉन्टेड माई पेरेंट्स कैमल स्किन लैम्प स्विचिंग इट ऑन इन माई बेडरूम. अब यहाँ पे जो है वो अपनी बात करें कि मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स जो है वो कैमल स्किन लैम्प जो है वो कैमल स्किन लैम्प जो है वो पाकिस्तान से आया था, कि उसको जो है वो मेरे बेडरूम में रख दें. To consider the quality and the transformation from camel to shade, marvel at the colors like stained glass. अब वो एक तो कैमल स्किन लैम्प जो है ये शो करता है लाइट को, एंड उसके अलावा जो है ये अगेन ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. यानी कि जिस तरीके से वो ईस्ट यानी कि पाकिस्तान से जो है वेस्ट आ गई, सिमिलरली जो है वो कैमल भी जो है किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर जो है वो लैम्प में बन गया. तो यहाँ पे एक ये बात आ जाती है. दूसरा ही अगर हम इसका डीपर मीनिंग देखें तो वो बेसिकली ये कहना चाह रही हैं कि वो चाहती थी कि कैमल्स के लैम्प जो है ना ये लाइट यानी कि गाइडेंस को शो करता है, पेरेंट्स की गाइडेंस को शो करता है. तो बेसिकली ये कह रही हैं कि वो चाहती थी कि उनके पेरेंट्स जो है ना उनको गाइड करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ ही थे. वो चाहती थी कि उनके पेरेंट्स जो है उनको गाइड करते, मतलब दोनों जो है कल्चर्स के बारे में, स्पेशली जो है पाकिस्तानी कल्चर के बारे में इनको गाइड करते, ताकि जब वो अगर उसके साथ जो है उनका डायरेक्ट अगर वो एक्सपीरियंस करें ना, और अगर जो है वो उनको पाकिस्तानी वैल्यूज़ या पाकिस्तान कभी जाना पड़े तो उनको हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र ना आए, बल्कि वो उसमें अपने आप को ढाल सकें. तो यहाँ पर वो चाह रही हैं कि मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे इस बारे में गाइड करें. टू कंसिडर द क्वालिटी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैमल टू शेड. अब यहाँ पर जो है वो क्रूअल नेचर ऑफ ह्यूमन भी दिखाई जा रही है कि किस तरीके से जो है ह्यूमन क्रूअल होता है, कि वो कैमल को जो है वो उसकी स्किन को जो है ट्रांसफॉर्म करती है एक लैम्प में. एंड ऑल्सो जो है वो लेकिन ये इस चीज़ को भी एडमायर कर रही है. क्यों? क्योंकि लैम्प पाकिस्तानी लैम्प जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. एंड नेक्स्ट जो है वो कह रही है कि एंड फ्रॉम कैमल टू शेड मार्वल एट द कलर्स लाइक स्टेन ग्लास. अब स्टेन ग्लास जो है वो अपनी ही आइडेंटिटी के बारे में बात कर रही है, कि उसकी आइडेंटिटी जो है ना वो उसमें भी ना ऐसे डॉट लाइक स्पॉट्स हैं, यानी कि वो भी जो है अब ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें दाग हैं. दाग इन अ सेंस के वो कन्फ्यूजन्स को शो कर रही हैं कि मेरी जो है एक आइडेंटिटी नहीं है, मेरी एक नेशनलिटी नहीं है, बल्कि डबल आइडेंटिटी है. तो अब उसमें जो है उसमें भी जो है वो कह रही हैं कि मेरी एक आइडेंटिटी नहीं है, और वो उसमें भी जो है कन्फ्यूज़ हो रही हैं कि मैं या मैं ब्रिटिश हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ. तो अगेन वो कह रही हैं कि मेरी एक आइडेंटिटी नहीं है, एंड मैं जो है कन्फ्यूज़ फील कर रही हैं वो अपने बारे में. उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं जो है किस साइड से पर जो है बिलोंग करती हूँ. तो एक जो है जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ना वो इसमें शो हो रहा है. एंड उसके अलावा ये कि वो इसी स्टैंजा में कह रही हैं कि अगर उनके पेरेंट्स जो है वो उनको पहले बता देते, मतलब जब वो इंग्लैंड आई थी और ऐसा ऐसा जो इनको पाकिस्तानी वैल्यूज़ वगैरह के में बताते रहते, तो उनकी वैल्यूज़ जो है वो इंटैक्ट रहती है और उनको हर चीज़ जो है वो न्यू ना लगती, एंड वो चीज़ों में ईजिली जो है एडजस्ट कर पाती. नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं माई मदर चेरिश्ड हर ज्वेलरी इंडियन गोल्ड डैंगलिंग फ्लिगरी बट इट वॉज स्टोलन फ्रॉम आर कार. अब ये जो है वो अब जो है मेमरी पास्ट मेमरी में चली गई हैं. वो कह रही हैं कि मेरी मदर जो ब्रिटिश मदर जो है वो अपनी जो इंडियन यानी कि पाकिस्तानी जो गोल्ड ज्वेलरी थी उसको उनको बहुत ज़्यादा वो जो है वो पसंद थी. अब अगेन यहाँ पर जो है पाकिस्तानी कल्चर वैल्यूज़ एंड कल्चर जो उनकी ब्यूटी जो है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, कि जो वो बैंगल जो थी यानी कि जो चूड़ियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है और पाकिस्तानी जो ज्वेलरी इंडियन गोल्ड ज्वेलरी जो थी उसको बहुत ज़्यादा जो है पसंद करती थी उनकी मदर. लेकिन जो है वो जो है चोरी हो गई थी उनकी गाड़ी से.
एंड अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर नेग्लिजेंस शो होती है मदर की, कि वो किस तरीके से मतलब इतनी मतलब जो है वो गाफिल थी इस चीज़ के से कि उनको पता भी नहीं चला और उनकी गाड़ी से जो है वो चोरी हो गई। एंड ऑल्सो यहाँ पर ये शो होता है कि जो क्राइम्स जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते बल्कि इंग्लैंड में भी होते हैं। नेक्स्ट लाइन आ जाती है, द प्रेजेंट्स वर रेडियंट इन माई वार्डरोब, माई आंट्स रिक्वेस्टेड कार्डिगन्स फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर। अब वो कह रही कि जो जितने भी प्रेजेंट्स जो आए हैं ना, यानी कि जितने भी कपड़े आए हैं, तो उनकी अलमारी में जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, यानी कि जो ईस्टर्न जो वेस्टर्न कपड़े थे, जीन्स और कॉर्ड्राई वगैरह जो हैं, वो उसके सामने जो है बहुत बेरंग और बहुत फीके लग रहे थे। नेक्स्ट वो कह रही है, माई आंट्स रिक्वेस्टेड कार्डिगन्स फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर। अब वो यहाँ पर अपनी आंटी की बात करें कि फिर जब आंटी ने जो है वो ये वाले गिफ्ट्स भेजे ना, पाकिस्तानी गिफ्ट्स भेजे, तो उन्होंने आगे से रिक्वेस्ट की उनसे कि इन रिटर्न जो है उनको कार्डिगन्स भेजें, कार्डिगन्स जो ये स्वेटर्स हैं फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर। मार्क्स एंड स्पेंसर जो है एक बहुत ही फेमस ब्रांड है एंड ये इंग्लिश ब्रांड है। तो बेसिकली जो है ये वेस्टर्न जो है सोसाइटी को शो करें कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी लोग जो है ना, वो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को पसंद नहीं करते, अपने कल्चर को पसंद नहीं करते, बल्कि वो वेस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एंड वो वेस्टर्न चीज़ों को ही पसंद करते हैं। दूसरा ये है कि फिर फैमिली के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से जब आप गिफ्ट्स देते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, अगर हमने गिफ्ट दिए हैं तो सामने वाला भी जो है हमें गिफ्ट देगा। तो एक जो है इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। एंड ऑल्सो वो ये शो कर रही हैं कि जो है मतलब आंटी जो है वो ये प्रेफर कर रही हैं कि वो, हालांकि जिस जो मुनीज़ा अलवी जो हैं वो अपनी ही पाकिस्तानी ड्रेसेस को जो है बहुत ज़्यादा एडमायर कर रही हैं, लेकिन आंटी जो हैं उनको अपने ड्रेसेस नहीं पसंद, बल्कि वो चाहती हैं कि उनको कार्डिगन्स भेजे जाएँ मार्क्स एंड स्पेंसर से। नेक्स्ट स्टैंज़ा में कहते हैं, माई सलवार कमीज़ डिडंट इम्प्रेस द स्कूल फ्रेंड हु सैट ऑन माई बेड आस्क्ड टू सी माई वीकेंड क्लोथ। अब वो कह रही हैं कि उन्होंने सलवार कमीज़ पहनी और उनकी स्कूल फ्रेंड जो है वो आई, यानी कि जो ब्रिटिश स्कूल फ्रेंड है वो आई एंड वो बेड पे बैठी हुई थी, एंड जब वो उसने पूछा कि तुम्हारे जो है वीकेंड क्लोथ्स कौन से, तो उन्होंने जो है अपनी शलवार कमीज़ दिखाई, लेकिन जो है उनको शलवार कमीज़ पसंद नहीं है। यानी कि अगर वो अपना पाकिस्तानी कल्चर, अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी जो है शो करें अपनी वेस्टर्न फ्रेंड्स को, तो उनको जो है वो पसंद नहीं करते, ठीक है। यानी कि अगर वो पाकिस्तानी कपड़े पहनना भी चाहें ना, अगर उनको पसंद है भी, लेकिन वो इससे नहीं पहन सकते क्योंकि लोग जो है फिर उनको बोली करते हैं, एंड शी फील एम्बेरस अबाउट इट। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट अपने आप को फील करती हैं। बट ऑफन आई एडमायर द मिरर वर्क, ट्राइड टू ग्लिम्स माई सेल्फ इन द मिनिएचर ग्लास सर्कल्स, रिकॉल द स्टोरी हाउ द थ्री ऑफ अस सेल टू इंग्लैंड। अब वो जो है वो एडमायर कर रही हैं, यानी कि जो शीशे का काम जो हुआ है कपड़ों पर, उसको जो है उसकी खूबसूरती को देख रही हैं, और वो कह रही हैं कि मिनिएचर ग्लास सर्कल्स छोटे छोटे शीशे के काम हैं, एंड उसमें जो है अपने आप को ये पाकिस्तानी कल्चर्स को शो करता है, तो उसी में जो है अपने आप को अपनी जो पाकिस्तानी कल्चर एंड पाकिस्तानी वैल्यूज जो है उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। एंड उसी शीशा में जब वो देखती हैं, यानी कि अब उस ड्रेस को जब देखती हैं, तो वो अपनी एक पास्ट मेमोरी उनको याद आती है, उनको वो स्टोरी याद आती है कि वो किस तरीके से थ्री ऑफ अस, यानी कि उसकी मदर, फादर एंड जो मुनीज़ा अलवी जो हैं, वो किस तरीके से जो है पाकिस्तान से इंग्लैंड आए थे। नेक्स्ट जो है, प्रिकली हीट हैड मी स्क्रीमिंग ऑन द वे, आई एंडेड अप इन अ कॉट इन माई इंग्लिश ग्रैंड मदर्स डाइनिंग रूम, found myself alone playing with a tin board. अब यहाँ पे जो prickly heat जो है ये पाकिस्तानी वेदर को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में गर्मी थी, had me screaming on the way. I ended up in a cot. अब ये हाईलाइट करता है कि वो छोटी बच्ची थी, यानी कि वो कॉट में थी जब वो पाकिस्तान से इंग्लैंड आई थी। अब यहाँ पर उनको याद पड़ता है कि जब वो पाकिस्तान से इंग्लैंड आई थी, तो एक तो वेदर चेंज हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में जो है कंपैरेटिवली ठंड होती है, पाकिस्तान में जो है गर्मी होती है, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर भी होता है, लेकिन जब उन्होंने माइग्रेट किया, तो तब जो है पाकिस्तान की गर्मी जो है उनको याद है कि उस वक्त पाकिस्तान में गर्मी थी। एंड ऑल्सो जो है वो थ्रू आउट द वे वो जो है वो स्क्रीम करी थी, यानी कि शी वॉज बेसिकली, यहाँ पे शायद ये शो किया जा रहा है कि शी वॉज अनहैप्पी टू मूव टू इंग्लैंड, लेकिन वो बच्ची थी तो वो कुछ कर नहीं पाती थी, कर सकती थी। आई एंडेड अप इन अ कॉट, यानी कि वो कॉट में थी, छोटी बच्ची थी, इन माई इंग्लिश ग्रैंड मदर्स डाइनिंग रूम। अब यहाँ पर वो पाकिस्तान से जो है वो इंग्लैंड में आ गई हैं। फाउंड माई सेल्फ अलोन प्लेइंग विद अ टिन बोर्ड। अब यहाँ पर बता रही हैं कि वो किस तरीके से जब वो मतलब पाकिस्तान से जब वो इंग्लैंड आई, तो वो अपने आप को बहुत अलोन फील करती है, यानी कि उसको बच्ची थी, लेकिन वो अपने प्रेजेंट के बारे में बात कर रही हैं कि जब मतलब उस तरीके से जो है वो मतलब एक्सेप्ट वेस्टर्न सोसाइटी जो है उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यू स्टिल फील अलोन जब आप अपने मुल्क को जो है छोड़ के दूसरे मुल्क में जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं, आई पिक्चर्ड माई बर्थ प्लेस फ्रॉम 50s फोटोग्राफ्स, व्हेन आई वाज ओल्डर देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, अ फ्रैक्चर्ड लैंड थ्रॉबिंग थ्रू न्यूज़ प्रिंट। अब यहाँ पर जो है वो
पोइट को जो है वो एक नॉस्टैल्जिक फील जो है वो अपने पास्ट मेमोरीज हैं वो याद करी हैं, वो अपनी बर्थ प्लेस को याद करी हैं, एंड वो जो है उन्होंने 1950s की जो है वो फोटोग्राफ्स देखी हैं, उसमें जो है वो अपना बर्थ प्लेस देखती हैं, यानी कि वो जब वो छोटी थी तो इसलिए उनको बर्थ प्लेस याद नहीं है अपनी, लेकिन जब वो जब फोटोग्राफ्स देखती हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ ये मेरी बर्थ प्लेस थी, यानी कि पाकिस्तान को जो है उस फोटोग्राफ्स में देखती हैं। व्हेन आई वाज ओल्डर देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट अ फ्रैक्चर लैंड थ्रॉबिंग थ्रू न्यूज़पेपर न्यूज़प्रिंट, न्यूज़प्रिंट का मतलब न्यूज़पेपर है। एंड वो कह रही हैं कि जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने जो है देखा कि न्यूज़पेपर के थ्रू जो है उनको पता चला कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं, एंड अ फ्रैक्चर लैंड जो है ये नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी शो कर सकता है एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को भी। तो एक तो ये भी है कि जब वो एक तो जैसे पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा फैमिली कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो शायद वो उसको भी हाईलाइट करना चाह रही हैं, उसके अलावा जो ये है कि पाकिस्तान की जो अपनी जो उस वक्त की जो सिचुएशन थी, नेशनल जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे कंट्री में, वो उन्होंने थ्रू न्यूज़पेपर्स जो है वो देखे। समटाइम्स आई सॉ लाहौर माई आंट्स इन शेडेड रूम्स स्क्रीन फ्रॉम मेल विजिटर्स सॉर्टिंग प्रेजेंट्स रैपिंग देम इन टिशू। अब यहाँ पर जो है वो कह रही हैं कि समटाइम्स आई सॉ लाहौर, लाहौर जो है वो उनकी बर्थ प्लेस है, कि उन्होंने जो है लाहौर देखा, एंड ऑल्सो जो है लाहौर जो है वो सिंबलाइज करता है उनकी अपनी बर्थ प्लेस को, उनके अपने रूट्स को, पाकिस्तानी जो कल्चर जो है उसको सिंबलाइज करते हैं, लाइक बेसिकली शी बिलोंग टू लाहौर, यानी कि उनके जो कल्चर रूट्स जो है वो पाकिस्तानी ही है। एंड ऑल्सो जो है वो नेक्स्ट लाइन में शो करती हैं कि माई आर्ट्स इन शेडेड रूम स्क्रीन फ्रॉम मेल विजिटर। अब यहाँ पे ये शो किया जा रहा है किस तरीके से लोग जो है पाकिस्तान में रहते हैं, यानी कि औरतों का मर्दों से जो है पर्दा होता है, यानी कि जो मेल विजिटर्स जो है वो आउट ही बाहर ही रहते हैं एंड उनको अलाउ नहीं होता कि वो जो है वो औरतों वाले कमरे में आए, औरतें जो हैं उनसे पर्दा करती हैं। ये फैमिली वैल्यूज़, पाकिस्तानी फैमिली वैल्यूज़ जो हैं उसको शो किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्क्रीन फ्रॉम मेल विजिटर्स, यानी कि वो मेल विजिटर्स से छुपती हैं, सॉर्टिंग प्रेजेंट रैपिंग देम इन टिशू, एंड जो है वो प्रेजेंट्स जो हैं उनको डिफरेंट जो मिले हैं उसको सॉर्ट आउट करिए। नेक्स्ट एंसर है और देयर वर बेगर्स स्वीपर गर्ल्स एंड आई वाज देयर ऑफ नो फिक्स नेशनैलिटी स्टेयरिंग थ्रू फ्रेटवर्क एट द शालीमार गार्डन्स। अब यहाँ पे जो है बेगर्स एंड स्वीपर गर्ल्स जो हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं पाकिस्तानी पाकिस्तान में जो पॉवर्टी जो है वो उसको हाईलाइट कर रही है। तो पिछले सेंसर्स में जो है उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया है पाकिस्तान का, यानी कि कितनी खूबसूरती है एंड जो है वो डिफरेंट क्लोथ्स के जरिए, ज्वेलरी के जरिए जो पाकिस्तान की जो रिच कल्चर एंड ब्यूटीफुल कल्चर है उसको हाईलाइट किया है। लेकिन यहाँ पर जो है वो बेगर्स एंड स्वीपर गर्ल्स के बारे में बात करें तो वो अपना जो एक बैड एक्सपीरियंस जो है ना पाकिस्तान का, उसको हाईलाइट करें कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। नेक्स्ट वो कहती हैं आई वॉज देयर ऑफ नो फिक्स नेशनलिटी स्टेयरिंग थ्रू फ्रेटवर्क एट द शालीमार गार्डन, मे बी शी विजिटेड पाकिस्तान अगेन, एंड फिर उसके बारे में बात कर रही हैं कि मैं जब वहाँ पे गई तो शी फेल्ट के उनकी कोई फिक्स नेशनलिटी नहीं है, अगेन शी इज़ कन्फ्यूज कि क्या वो पाकिस्तानी हैं या वो ब्रिटिश हैं। तो कह रही हैं कि स्वीपर गर्ल्स जो हैं वो वहाँ पर थी, लेकिन स्वीपर गर्ल्स भी जो है वो थी तो पाकिस्तानी ही ना, लेकिन वो खुद वहाँ पे खड़ी थी एंड शी वॉज स्टेयरिंग एट फ्रेटवर्क। फ्रेटवर्क जो है वो वुडन कार्विंग होती है, यानी कि जो लकड़ी पे जो बारीक काम किया जाता है ना, कार्विंग की जाती है, जो डिज़ाइनिंग की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेटवर्क एट द शालीमार गार्डन्स। अब शालीमार गार्डन्स जो है ये भी जो है हमें पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान की बात कर रही हैं एंड ये भी लाहौर में बहुत फेमस जो है गार्डन है। तो कह रही है कि मैं वहाँ पे जब स्वीपर गर्ल्स को देख रही थी, मैं जब वो शालीमार गार्डन में जो फ्रेटवर्क जो वुडन कार्विंग जो थी उसको देख रही, तो मैं चीज़ रियलाइज़ करी थी कि मेरी तो कोई नेशनलिटी नहीं है, यानी कि वो पाकिस्तान अगर गई भी तो वो ये रियलाइज़ करी थी कि मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ, क्योंकि उनको उनके माइंड में यही था कि वो हाफ ब्रिटिश है हाफ पाकिस्तानी है। एंड ये पोइम जो है वो ये शो करती है कि किस तरीके से कंफ्यूज थी अपनी ही आइडेंटिटी के बारे में एंड उनको जो है वो ये चीज़ एज अ टीनेज जो है ये समझ नहीं आई थी कि क्या वो पाकिस्तानी है या वो ब्रिटिश है। तो ओवरऑल जो है ये इस पोइम से हमें पता चलता है कि मुनीज़ा अलवी जो है वो अपने मतलब एज अ टीनेज गर्ल जो है वो अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में जो है वो क्या सोचती थी, एंड ऑल्सो हमें पाकिस्तान की जो डिफरेंट कल्चर है उसको हाईलाइट किया गया है। पोइम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद हम आ जाते हैं पोइम के एनालिसिस पर। तो ये पोइम जो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, यानी कि मुनीज़ा अलवी ने अपने ही लाइफ इवेंट्स के बारे में इस पोइम में बताया है। ये पोइम जो है फर्स्ट पर्सन नरेशन फॉर्म में लिखी गई है, यानी कि स्पीकर जो है मुनीज़ा अलवी उन्होंने खुद ही जो है अपने ही बारे में लिखी है। एंड इस पोइम में जो है प्रोनाउंस भी यूज हैं आई एंड माई, जो कि बताते हैं कि स्पीकर भी जो है वो पोइट खुद ही हैं। उसके अलावा जो है पोइम में सिंपल डिक्शन एंड सिंपल लैंग्वेज यूज हुई है, पोइम की कोई राइम स्कीम नहीं है एंड पोइम के 7 स्टैंजास हैं। पोइम में जो है इररेगुलर लाइन्स यूज हुई हैं,
इरेगुलर लाइंस यानी कि डिफरेंट लेंथ भी लाइंस की डिफरेंट है एंड डिफरेंट प्लेसेस पे लाइन लिखी हुई हैं अगर आप पोइम के स्ट्रक्चर को देखें तो. अब ये जो है ये रिपीट करती हैं जो पोइट जो है उनकी अनसेटल्ड इमोशंस या उनके फीलिंग्स के बारे में, यानी कि वो अपनी ही आइडेंटिटी के बारे में श्योर नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि क्या मैं ब्रिटिश हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ. लास्ट में जो है पोइम में बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ हुए हैं, हाइफन्स जो हैं जो डैश सिंबल होते हैं ये जो हमें पोइम में नज़र आते हैं. अब ये जो है दो तरीके से यूज़ हुए हैं, एक तो तरीके से यूज़ हुए हैं कि दो वर्ड्स को जोड़ते हैं एंड एक जो है पोइट ने जो है इनको लास्ट में यूज़ किया हुआ है, लाइंस की या वर्सेस की लास्ट में यूज़ किया हुआ है. तो जो वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए जो है यूज़ किया हुआ है, जैसे कि स्वीपर गर्ल्स, ये टू वर्ड्स हैं उनके दरमियान में जो है हाइफन है, तो ये बताता है कि जैसे टू वर्ड्स जो हैं आपस में ज्वाइन करने के लिए जो हाइफन को यूज़ किया हुआ है. लेकिन अगर ये ज्वाइन करें भी तो वर्ड्स जो है वो कनेक्ट नहीं होते बल्कि वो टू सेपरेट हाफ ही रहते हैं, यानी कि स्वीपर अलग वर्ड है एंड गर्ल्स अलग वर्ड है. तो ये बेसिकली शो करता है जो आइडेंटिटी जो है ना मुनीज़ा अलवी की, वो शो करता है कि वो जो है हाफ़ ब्रिटिश हैं एंड हाफ़ जो है पाकिस्तानी है, वो मिंगल नहीं कर पा रही, वो उसको कंबाइन नहीं कर पा रही. एंड दूसरा ये है कि पोइम के जो जो लाइंस के एंड पे जो डैश सिंबल है या हाइफन जो है वो यूज़ किया हुआ, बेसिकली ये शो करता है कि पोइट जो है वो अनश्योर है, वो कंफ्यूज है, यानी कि वो स्टॉप करती हैं बीच में, वो एक पॉज लेती हैं अपनी ही सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए. एंड बेसिकली एज अ गर्ल जो है, जैसे जिस टीनेज गर्ल के बारे में ये पोइम है, यानी कि अपनी ही यूथ के बारे में, अपनी ही टीनेज के बारे में जो है पोइट ने लिखा है, तो वो अनश्योर है कि क्या वो ब्रिटिश हैं, क्या वो पाकिस्तानी हैं, अपनी सिचुएशन से वो जो है ना उसके बारे में अनश्योर है एंड वो नहीं जानती कि मतलब मैं इस सिचुएशन में क्या करूं. पोइम के एनालिसिस के बाद हम आ जाते हैं पोइम के लिटरेरी डिवाइसेस पर. तो पहले लिटरेरी डिवाइस जो है वो एल्यूजन है. एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस देना. तो यहाँ पे जो शालीमार गार्डन्स का जो है मेंशन किया हुआ है, उसका रेफरेंस जो है दिया गया है पोइम में. एंड उसके अलावा जो है सजोरा यूज़ हुआ है. सजोरा जो है वो पोइट जो है वो ब्रेक्स लेने के लिए वर्सेस में या लाइंस में पॉज देने के लिए जो है वो कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एम्बॉस स्लिपर्स कॉमा गोल्ड एंड ब्लैक, यहाँ पे जो है कॉमा सजोरा यूज़ हुआ है. एंड स्टॉपिंग में ये होता है कि जो लाइंस जो है उसके एंड पे जो है फुल स्टॉप होता है एंड आइडिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि रैपिंग देम इन टिश्यू, इसके एंड पे फुल स्टॉप है. फिर आ जाता है अल्ट्रेशन. अल्ट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड्स इन नेबरिंग वर्ड्स. अब जैसे कि सैटिन सिल्क, इसमें स स की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है. नेक्स्ट जो है मेटाफर है. मेटाफर में ये है आई वॉज ए फ्लेम. अब ये जो है शो करता है बेसिकली उसने पोइट ने जो है वो ऑरेंज कलर के ड्रेस पहना था, तो बेसिकली ये उस ऑरेंज कलर को भी शो करता है. एंड उसके अलावा जो वो ये शो करता है कि डिसकम्फर्ट जो है पोइट की शो करता है कि जब वो अपने कल्चर या अपनी वैल्यूज़ में जाने की कोशिश करती है तो वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती है. नेक्स्ट जो है मेटाफर है अ फ्रैक्चर लाइन. ये जो है मेटाफर यूज़ किया है पोइट ने टू डिपिक्ट कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि पाकिस्तान में जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो नेशनल कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर वो फैमिली कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए जो है मेटाफर यूज़ किया हुआ है. लास्ट में जो है इमेजरीज यूज़ हैं, जैसे कि ज्वेलरी एंड बेगर्स. एंड उसके बाद जो है सिमिली यूज़ की हुई है, लाइक स्टेन्ड ग्लास एंड लाइक एन ऑरेंज. सिमिली जो है वो आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो दो चीज़ों का. लिटरेरी डिवाइसेस के बाद हम आ जाते हैं पोइम के सिंबल्स पर. तो शलवार कमीज जो है वो सिंबलाइज करता है आइडेंटिटी को. डेनिम एंड कॉर्डराय जो है वो सिंबलाइज करता है वेस्टर्न सोसाइटी को. बेगर स्वीपर गर्ल्स जो है वो सिंबलाइज करता है पॉवर्टी इन पाकिस्तान को. एंड स्टेन्ड ग्लास जो है वो सिंबलाइज करता है जो पोइट जो है उनकी अपनी लाइफ को, यानी कि मुनीज़ा अलवी की लाइफ को. एंड लाहौर जो है वो सिंबलाइज करता है हर ओन रूट्स, यानी कि मुनीज़ा अलवी के जो अपना कल्चर, अपने जो पाकिस्तानी रूट्स जो हैं वो उसको सिंबलाइज करता है. जो पोइम का पहला एंड मेन थीम है वो है आइडेंटिटी. थ्रू आउट द पोइम हमें नज़र आता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस में जो है वो पोइट है, यानी कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उनकी क्या ट्रू आइडेंटिटी जो है वो ब्रिटिश आइडेंटिटी है या फिर वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी है. एंड वो इसी आइडेंटिटी को जो है ढूंढना चाह रही हैं कि मैं किस साइड पर हूँ, मैं पाकिस्तानी साइड पर हूँ या फिर मैं ब्रिटिश साइड पर हूँ. वो कन्फ्यूज्ड हैं कि मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी जो है वो कौन सी है. नेक्स्ट जो है थीम है वो टू प्लेसेस. टू प्लेसेस जो है वो ये शो करता है कि एक इंग्लैंड को और एक पाकिस्तान को. ये भी जो है आइडेंटिटी से ही सिमिलर है कि टू प्लेसेस में जो है वो पोइट जो है डिवाइड हो गई हैं. अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तानी साइड को, पाकिस्तानी वैल्यूज़ एंड पाकिस्तानी रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करें या फिर जो वो इंग्लैंड में जो है वो वहाँ पर जो है उस सारे मतलब उस सोसाइटी को एंड उन वैल्यूज़ को जो है वो फॉलो करो, यानी कि वो डिवाइड हो गई है टू हाफ्स में और उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअली जो है वो किस जगह पे जो है वो बिलोंग करती है, उनकी जो ट्रू नेशनैलिटी या ट्रू आइडेंटिटी जो है वो क्या है एंड वो बेसिकली जो है उनका कौन सी जगह जो है इन दोनों में से वो एक्चुअली उनका होम है.
नेक्स्ट जो है थीम है सेपरेशन का. सेपरेशन का थीम जो है वो एविडेंट है, यानी कि सेपरेट फ्रॉम अवर ओन होमलैंड, यानी कि वो जब पाकिस्तान को छोड़ के जो है अपनी फैमिली के साथ जो है वो इंग्लैंड आ गई थी, तो ये जो है सेपरेशन दिखाता है उनकी अपनी ही नेटिव कंट्री के साथ. नेक्स्ट जो है आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन. तो आइसोलेशन का थीम जो है वो एविडेंट है जब वो सेकेंड लास्ट स्टैंजा में जो है वो कहती हैं कि जो पाकिस्तानी वैल्यूज़ का बताते हैं, वो कहती हैं कि जो मेल विजिटर्स हैं वो अलग होते हैं एंड फीमेल जो है उनका रूम जो है अलग होता है. तो बेसिकली ये शो करता है कि जो किस तरीके से फीमेल का जो एरिया होता है वो सेपरेट होता है फ्रॉम फ्रॉम मेन, एंड फीमेल आर आइसोलेटेड फ्रॉम मेन. ठीक है. एंड नेक्स्ट थीम जो आ जाता है वो कनेक्शन विद रूट्स. एंड कनेक्शन विद रूट्स जो है वो पाकिस्तानी रूट्स हैं, यानी कि स्टिल जो है वो मुनीज़ा अलवी जो है वो इंग्लैंड में भी हैं लेकिन उनके रूट्स जो है वो पाकिस्तानी हैं. शी स्टिल वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद दोज रूट्स, एंड वो चाहती हैं कि वो अपना कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान के साथ भी बिल्ड करें. एंड ऑल्सो जो है हमें पॉइंट में नज़र आता है कि वो कितना ज़्यादा जो है पाकिस्तानी कल्चर को और अपने जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ जो है उनके जो अपने रूट्स जो है उसको कितना ज़्यादा एडमायर करती हैं, कितना ज़्यादा वो पसंद करती हैं. एंड नेक्स्ट जो लास्ट थीम आ जाता है वो चॉइसेस. अब चॉइसेस में भी जो है वो यही आता है कि जो फीमेल जो मतलब चॉइसेस में आ जाता है कि आंट की जो चॉइसेस क्या हैं एंड जो मुनीज़ा अलवी एज अ टीनेज गर्ल जो है उनके चॉइसेस क्या हैं, यानी कि वो चाहती हैं कि वो मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो इंग्लैंड के साथ हो या फिर जो है वो पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन जो वो पाकिस्तानी ड्रेसेस जो है वो पहनती हैं तो उनको अच्छा लगता है. वो अनकम्फर्टेबल भी फील करती हैं लेकिन स्टिल जो है वो एडमायर करती हैं अपने कल्चर को. ठीक है. तो वो बींग इन ब्रिटिश उनकी चॉइस जो है एंड इवन जो उनकी ब्रिटिश मदर भी जो है उनकी चॉइस जो है कि वो इंडियन जो पाकिस्तानी ज्वेलरी एंड पाकिस्तानी जो कल्चर जो पाकिस्तानी कल्चर चीज़ें जो है वो उनको पसंद करती हैं, वेयर एज़ जो उनकी पाकिस्तानी आंटी जो हैं वो जो है उनको ब्रिटिश चीज़ें पसंद है, यानी कि इंग्लिश चीज़ें मार्क्स एंड स्पेंसर की. तो ये जो है चॉइस शो करता है कि किस तरीके से जो है ऑपोजिट चॉइस है दोनों की. तो ये था आज का लेक्चर. अगर ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड लिटरेचर को अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पे पहुंचे.